बंधन के दिन घर में कुछ अजीब सी घुसी छा जावे है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अरे भाई फोन की हो कि ना? कर दिया, सुबह ही कर दिया था। जय बढ़िया क्यों दादी। हाँ ये गिफ्ट्स की लिस्ट दे रही हूँ मैं भाई को, और इनमें से मुझे एक भी चीज कम नहीं चाहिए। हाँ रिद्धि तुझे गिफ्ट्स की पड़ी है, रक्षाबंधन के लिए तैयार नहीं होना है? तैयार तो हो जाओ माँ, पर मेरे कपड़े अभी तक प्रेस्ड नहीं है। अरे तो मिश्री को बोल दे। लेकिन मिश्री है कहाँ? मिश्री ये लो आ गई। देख तू रात भर पढ़ाई करे, हमें कोई आपत्ति ना है, पर देर रात में जगने की वजह से तू त्योहार के दिन सुबह देर से उठे जे ना चलेगो ना। ये लो मेरे कपड़े प्रेस कर दो, और अब ये चोट दिखाकर काम ना करने का कोई नया बहाना मत बनाना। हाँ प्लीज। पिछली मैंने पुलिस में सीनियर ऑफिसर से बात कर ली है, वो कल हमसे मिलेंगे। हिम्मत तो देखो इसकी, मेरे प्रेस करने वाले कपड़े लिए बिना ही चली गई। अब ये त्योहार के दिन को नया शुरू ना करियो, अरे कोई बच्ची थोड़ी ना है तू, खुद प्रेस कर ले। मैंने पुलिस से बात कर ली, खुद को तैयार करो, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ये राघव तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, अब ये पुलिस स्टेशन भी जा रहा है। अगर पुलिस मुझ तक पहुंच गई तो पता नहीं क्या होगा। क्या हो रहा है गोपाल? अरे बुआ जी, जब पार्वती माँ ने आन लगाने को कहा है, जहाँ पे बचपन की फोटोएं चलेंगी सबकी। पार्वती भाभी कभी कुछ ढंग का सोच सकती है? नहीं ना चित्रा दीदी, पार्वती भाभी ने बहुत अच्छा सोचा है। सोचिए ना, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी, कितनी अच्छी बात है। पर जा जा के देख पहले राघव कहाँ रह गया। जा जी माँ जी, अभी आया। कहाँ पता कहाँ रह गया? ये लोग कैसे आ गए? नमस्ते दादी जी। अगर आज तू कोई तमाशो करने आई है तो करने की सोचना भी मत। त्योहार को दिन है, घर में मेहमान आए हुए, और मैं ना चाहती कि बाप के सामने कोई तमाशा हो। माँ इन्हें मैंने बुलाया। माँ मैंने अपना घर तो कभी बसाया नहीं, लेकिन बच्चों का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ राघव और वाणी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इनके बीच बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं कर रहे तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम बड़े ही इनके बीच की गलतफहमी दूर कर दें, क्यों कल्पना? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आज तो कितना शुभ दिन है, पुरानी बातें भुलाकर हम एक नई शुरुआत करते हैं। अम्मा जी बच्चों की शादी की तारीख फिक्स कर देते हैं। रिद्धि राघव कहाँ है? मैं भी कब से राखी की थाली लेकर भाई का ही वेट कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए। कहाँ पता कहाँ चला गया वे? राघव लल्ला राखी तो बंधा ले। दादी एक अर्जेंट काम से जा रहा हूँ, आके राखी बंधवाऊंगा, स्कूल में कुछ काम है। राघव तो मेरी ओर देख भी नहीं रहा है, जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं, और मिश्री भी नजरें चुरा रही है। मिश्री कपड़े का टुकड़ा उठा लिया, चलो। हाँ
अच्छा हुआ मैं राघव के पीछे आ गई, वरना इन दोनों को इतने पास पास देखने का सुनहरा मौका नहीं मिलता। अब जब ये फोटोज वाणी देखेगी तो राघव के इस रक्षा कवच मिश्री को घर से धक्के मार के निकाल देगी। उफ, कैसे इंतजार करूं मैं उस घड़ी का। ये क्या बेशर्मी है राघव? क्या हुआ आप सबको? क्या हुआ नहीं, क्या चल रहा तुम्हारे और इस काम वाले के बीच में? जरा बताओ क्या हमें? मिश्री, काहे जैसा तू ये करने गई थी रात को? दादी जी, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रही हैं। तो काहे जैसा? भागम, तू तो बड़ी भोली बनती फिरती है ना। मुझे मेरे पति ने छोड़ दिया, उस वक्त भी ऐसे गंदे और खिलौने काम करती होंगी तुम। रात रात भर बाहर घूमती रहती हो ताकि नए लड़के अमीर लड़कों को तुम फंसा सको अपने जाल में, हो ना? ऐसी हो ना तुम? बस कीजिए आंटी जी, प्लीज ऐसी घटिया बात मत बोलिए। सच में घटिया बात राघव? घटिया बात नहीं सुनने के लिए घटिया काम भी नहीं किया करते। कल्पना, बस करो, क्या नाप शनाप बोले जा रही हो? क्यों बस करूं? देख लिया वाली, तुमने इस काम वाले को अपनी छोटी बहन माना था और इसने क्या किया? इसने तो तुम्हारे प्यार पे ही डाका डाल दिया। अरे तुम्हारे राघव को तुमसे छीन रही है ये। राघव, मिस्ट्री, क्या है ये सब? जो दिख रहा है वहां पे तो भरोसा ना है, जो सच है वो तो बता। बाबूजी, जो सच है वो सबके सामने है, अब उससे क्या मुंह मोड़ना। ये गरीब लड़कियां ऐसी होती है, गंदी नजर वाली, पति इनको छोड़ देता है फिर दूसरे आदमियों के पीछे लग जाती है उन्हें फंसाने के लिए, ताकि उनके पैसे से मौज उड़ा सके।